दोस्तों, Redmi Note 8 सीरीज रिसेंटली ही चाइना में लॉन्च हुई है। इस सीरीज में दो नए स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए हैं, Redmi Note 8 और Redmi Note 8 Pro। अब इन स्मार्टफोन्स की चाइनीज लॉन्च के बाद सभी इंडियन यूजर्स वेट कर रहे हैं इनकी इंडियन लॉन्च की। और रिसेंटली मनु कुमार जैन ने ये ट्वीट करके कंफर्म कर दिया है कि Redmi Note 8 सीरीज इंडिया में आने वाले 8 हफ्तों में लॉन्च हो जाएगी। तो दिवाली के अराउंड हमें Redmi Note 8 सीरीज इंडिया में देखने को मिलने वाली है। और ऐसे में यूजर्स के मन में ये सवाल जरूर आएगा कि Redmi Note 7 Pro और Redmi Note 8 Pro में कौन सा डिवाइस बेहतर होगा। तो चलिए आपके इसी सवाल का जवाब इस वीडियो में ढूंढते हैं। मगर उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि ऐसे ही और कंपैरिजन वीडियोस मैं आपको दे पाऊं। तो इसी के साथ मैं हूं राज, और आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिजाइन से। तो Redmi Note 7 Pro में हमें पीछे ग्लास डिजाइन देखने को मिलती है। यहाँ हमें अलग अलग ग्रेडियंट कलर वेरिएंट्स भी देखने को मिलते हैं। यहाँ हमें टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ड्यूअल कैमरा प्लेसमेंट देखने को मिलती है। अगर बात करें Redmi Note 8 Pro की, तो यहाँ भी आपको ग्रेडियंट कलर्स, ग्लास डिजाइन, वर्टिकल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, पर जो कैमरा प्लेसमेंट है वो टॉप सेंटर में की गई है। तो दोनों ही स्मार्टफोन्स की डिजाइन काफी बढ़िया है, पर मुझसे अगर एक पिक करने को कहा जाए तो मैं पिक करूंगा Redmi Note 8 Pro को उसकी नई और रिफ्रेशिंग डिजाइन के लिए। अगर बात करें सामने की, तो Redmi Note 7 Pro में हमें सामने डॉट नॉच देखने को मिलती है। यह जो साइड बेजल्स है वो भी काफी कम है, पर जो बॉटम बेजल है या जो चिन है वो थोड़ी सी बड़ी है। अगर बात करें Redmi Note 8 Pro की, तो यहाँ भी आपको सामने वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलती है, पर यह नॉच Redmi Note 7 Pro के नॉच से थोड़ी छोटी और अच्छी लगती है। इसके अलावा Redmi Note 8 Pro में जो साइड बेजल्स है और जो बॉटम चिन है वो भी Redmi Note 7 Pro से कम और छोटे हैं। तो ओवरऑल Redmi Note 8 Pro में आपको Redmi Note 7 Pro से ज्यादा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता है। इन दोनों ही स्मार्टफोन्स को फ्रंट और बैक में Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है। इसके अलावा बाकी जो ओवरऑल डिजाइन है, जैसे बटन प्लेसमेंट, वो दोनों ही स्मार्टफोन्स में लगभग सेम ही है। अब बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की, तो स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से। तो Redmi Note 7 Pro में 6.3 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है। यह जो एस्पेक्ट रेशियो है वो है 19.5:9 का, और जो कैलकुलेटेड स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो है 81.21%। अगर बात करें Redmi Note 8 Pro की, तो यहाँ हमें देखने को मिलता है 6.53 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले पैनल। दोनों ही स्मार्टफोन्स में हमें IPS LCD डिस्प्ले पैनल्स देखने को मिलते हैं। Redmi Note 8 Pro में हमें 19.5:9 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिलता है। यह जो कैलकुलेटेड स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो है 84.75%, पर कंपनी क्लेम करती है कि यहाँ 91.4% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दिया गया है। तो ओवरऑल दोनों ही स्मार्टफोन्स में डिस्प्ले काफी बढ़िया हमें देखने को मिलता है। Redmi Note 7 Pro का डिस्प्ले Redmi Note 8 Pro से थोड़ा सा छोटा है, तो अगर आपको छोटा डिस्प्ले पसंद है तो आप Redmi Note 7 Pro के साथ जा सकते हैं। और अगर आपको हाई स्क्रीन टू बॉडी रेशियो और बड़ा डिस्प्ले पसंद है तो आप Redmi Note 8 Pro के साथ जा सकते हैं। अगर बात करें प्रोसेसर की, तो Redmi Note 7 Pro में हमें देखने को मिलता है Snapdragon 675 प्रोसेसर, जो कि एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। साथ ही में यहाँ हमें 6GB तक रैम देखने को मिलती है। अगर बात करें Redmi Note 8 Pro की, तो यहाँ हमें MediaTek की तरफ से उनका लेटेस्ट गेमिंग प्रोसेसर Helio G90T देखने को मिलता है, जो कि एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। यहाँ हमें 6GB तक रैम देखने को मिलती है। तो ये दोनों ही स्मार्टफोन्स परफॉर्मेंस के मामले में काफी अच्छे हैं। डे टू डे यूसेज में आपको इन दोनों ही स्मार्टफोन से कोई भी शिकायत नहीं होगी। पर अगर हम बात करें ग्राफिक इंटेंसिव टास्क की, जैसे गेमिंग हो या वीडियो रेंडरिंग हो, तो उसके मामले में Redmi Note 8 Pro Redmi Note 7 Pro से थोड़ा सा बेहतर निकल के आता है। अब बात करते हैं कैमरा डिपार्टमेंट की, और स्टार्ट करते हैं Redmi Note 7 Pro से। तो यहाँ हमें देखने को मिलता है ड्यूअल कैमरा सेटअप। जो प्राइमरी कैमरा है वो है 48 मेगापिक्सल का सोनी IMX586 सेंसर। यह अपर्चर है f/1.79 की। जो सेकंड सेंसर है वो है एक डेप्थ सेंसर 5 मेगापिक्सल का। अब अगर बात करें Redmi Note 8 Pro की, तो यहाँ हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। जो प्राइमरी कैमरा है वो है 64 मेगापिक्सल का। यह यूज किया गया है सैमसंग आइसोसेल GW1 सेंसर। जो सेकंड सेंसर है वो है 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल सेंसर। तीसरा सेंसर है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा, और जो चौथा सेंसर है वो भी है 2 मेगापिक्सल का, जो है एक डेप्थ सेंसर। तो कैमरा क्वालिटी और ज्यादा कैमरा फंक्शनैलिटी की वजह से ये पॉइंट जाता है Redmi Note 8 Pro को। अगर बात करें बैटरी डिपार्टमेंट की, तो Redmi Note 7 Pro में दी गई है 4000 mAh की बैटरी, जहां हमें क्विक चार्ज 4.0 का सपोर्ट भी देखने को मिलता है।
अगर बात करें Redmi Note 8 Pro की तो यहाँ हमें देखने को मिलती है 4500 mAh की बैटरी और यहाँ भी हमें क्विक चार्ज 4.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो थोड़ी ज़्यादा बैटरी कैपेसिटी के लिए ये पॉइंट भी जाता है Redmi Note 8 Pro को। इसके अलावा इन दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको सभी जरूरी सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं। दोनों ही स्मार्टफोन्स में हमें IR ब्लास्टर, फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर, हेडफोन जैक ये सभी देखने को मिलते हैं। अगर बात करें प्राइसिंग की तो Redmi Note 7 Pro की स्टार्टिंग प्राइस है 15,000 इंडियन रुपीस और Redmi Note 8 Pro की स्टार्टिंग प्राइस है 14,000 इंडियन रुपीस। और जब तक Redmi Note 8 Pro इंडिया में आएगा तब तक हमें Redmi Note 7 Pro के प्राइस में ज़रूर प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये कंपैरिजन पसंद आया होगा। अगर अभी भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल है तो बेझिझक वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो आपको पता ही है क्या करना है, सिर्फ वो रीजन हमारे साथ शेयर करिए ताकि अगले वीडियो में हम उसका ध्यान रख पाए। दोस्तों जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख पाए। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूँ राज और मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।